24 साल की एक लड़की है, उसने 2 जून यानी ये गुरुवार को, परसों परसों ऐसा डिक्लेयर किया कि मैं 11 जून को वडोदरा में एक निकाह करूंगी अपने आप के साथ। इतना भी कुछ इतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ अच्छा, 100 साल के बाद अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अलग चीज है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 93 में पहला किस्सा बना था, 1993, तो उसके बाद अभी तक लगभग 500 वर्ल्ड में ना 500-550 के आजू बाजू लोगों ने इस तरह से सेल्फ मैरिज। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूँ जिशान आजमी। आज की ताजा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में QR कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए, QR कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं हूँ जिशान आजमी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही अजीबोगरीब है। गुजरात वडोदरा की एक महिला है, 24 वर्ष की महिला है, जिसने ये निर्णय लिया है कि वो खुद विवाह करेगी, खुद वधू होगी, खुद वर होगी, खुद ही दुल्हन होगी, खुद ही दूल्हा होगी। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शेख सईद जी। शेख सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने सुना होगा एक महिला है जिसका नाम है शमा बिंदु, जिसने ये फैसला किया है। उसका दुल्हन बनने का मन था लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी वो खुद से ही विवाह करना चाहती है, विवाह रचना चाहती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको लेकर कानूनी कानून क्या कहता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। तो मैं आपको इसकी पार्श्व भूमि का बताऊं। इसका नाम है क्षमा बिंदु करके एक औरत है जो 24 वर्ष की महिला है, या समझ लो 24 साल की एक लड़की है। उसने 2 जून यानी ये गुरुवार को, परसों ऐसा डिक्लेयर किया कि मैं 11 जून को वडोदरा में एक निकाह करूंगी अपने आप के साथ, एक शादी करूंगी खुद के साथ। इस तरह का उसने एक बयान दिया और लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो समारोह में आने का आमंत्रण भी दिया उन्होंने। तो इसको अपन एक्ट ऑफ सेल्फ लव बोलेंगे या सोलो गैमी बोलते हैं, यानी खुद को ही खुद पे प्रेम करना और खुद ही खुद के साथ शादी करना। तो ये जो टर्म है इसको कानूनन अभी तक कोई मान्यता दी नहीं गई है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट उसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ द स्पाउस, मतलब कोई और व्यक्ति होना चाहिए साथ में, तभी आप शादी कर सकते हो। मतलब लीगल टेंगल में आप देखने जाए तो ये शादी कानूनन अवैध है, जिसका कोई लीगलिटी बनती नहीं है और जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ये जो उन्होंने काम किया हुआ है ये टोटल 100% एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या पब्लिसिटी गिमिक्स है, और ऐसे कानून को कभी भी मान्यता दी नहीं जानी चाहिए। क्या लगता है इससे महिला का क्या फायदा है, खुद से ही विवाह करने से इसमें क्या लाभ है और ये क्यों करना चाहती है? अभी देखे जाएंगे तो इसमें, अगर बहुत सालों से देखे जाएंगे तो एक यूरोपियन एक कल्चर है जिसमें एक लिंडा बैक करके एक डेंटल हाइजीनिस्ट थी, मतलब वो नहीं क्या वो दरवाजा खोल के एडवर्टाइजमेंट आ जाते कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, उस तरह की जो औरत थी। उसने 1993 में फर्स्ट, सबसे पहले वर्ल्ड में ऐसी पहली शादी अपने आप से की थी। और उसके बाद वो ब्राजीलियन जो मॉडल थी वो क्रिश करके, उन्होंने भी शादी की थी और एक तो वेव चला गया था। तो उसके बाद वहां भी उसको कानूनन कोई मान्यता मिली नहीं थी, मगर वो एक ट्रेंड ऐसा चल गया क्योंकि उन लोग है ना थोड़े आजाद ख्याल के लोग थे, उनको ऐसा माना जाता था कि हमारे
जो सास है या हमारे जो ग्रैंड मदर लोग को जो आजादी या जो मान्यता नहीं मिली वो ये शादी के जरिए मिलेंगी। क्योंकि क्या है, सर्टन एज के बाद ऐसा माना जाता है, अभी भी आज के समाज में जिस औरतों की शादी नहीं होती है तो उसको एज अ एक्सपायरी डेट माना जाता है, और उनके ऊपर कोई सामाजिक बहुत सारे तरीके के निर्बंध लगे जाते हैं, जिसको अनवेडेड स्पिंटर्स भी बोलते हैं अपुन। तो ऐसी जो स्त्री है उन लोग को समाज में उस तरह का उचित स्थान नहीं मिलता, और उन लोग दूसरे किससे भी शादी करना नहीं चाहते। तो इस तरह से उन्होंने खुद अपने आप से शादी करके लोगों को या समाज को ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग अभी तक आजाद है। और वर्ल्ड में इस तरह का ट्रेंड तब से बनने लगा। अच्छा, ये जो मॉडल की मैंने बात की, उन्होंने 90 दिन के बाद, जिसका नाम है क्रिस गडेला, उन्होंने 90 दिन के बाद सेल्फ डाइवोर्स भी ले लिया। अच्छा उनको एक आदमी से प्यार हो गया, तो बोले मैंने खुद से शादी की है, पहले मैं उसको डाइवोर्स दिया। तो इस तरह की बातें और इस तरह का जो एक सामाजिक कल्चर यूरोपियन देश में, ब्राजील में, और इस तरह से होते रहता है। तो मैं ही आपको यही बोलूंगा कि ये तरह का कल्चर अभी भी इंडिया में आया नहीं है, और उसको कानूनन मान्यता अभी तक प्राप्त हुई नहीं है। और वो जो इंडिया में स्पेशली औरतों को इस तरह की आजादी दी गई है कि उनको भी ऐसा अकेलापन या सैडनेस ऐसी लगती नहीं है कि अगर शादी नहीं की थी तो। पहले का जो टैबू था कि इस तरह की औरतों के साथ नाइंसाफी होती थी, वो अभी आज के जमाने में ऐसा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सब पहले जूने जमाने की बातें हैं, अभी नए सिरे से देखा जाए तो अगर उन लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है तो वो सब चीज को अगर पॉजिटिवली उन लोग काम कर रहे हैं, और पॉजिटिवली अगर उसका कुछ निराकरण निकाले तो समाज के लिए और ज्यादा अच्छा फायदेमंद होगा। और मैं दूसरा दो तीन चीज इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, जिसमें आपको नहीं मालूम रहेगा। वहां बारगांव तो आप जैसे इंटरनेशनली देखने जाएंगे तो मेरी योर सेल्फ करके ग्रुप ही बन गया है कैनेडा में। तो वो क्या करता है, वो आपको कंसल्टेंसी देता है, आपके घर पे आएंगे, आपको समझाएंगे, आपको फायदे समझाएंगे कि आप खुद के साथ शादी करेंगे तो आपको किस तरह के एडवांटेज है, आपको मेहर देना नहीं पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा, आपके पास जुल्म नहीं होंगे, वो सब समझा के मेरी योर सेल्फ करके ग्रुप है, वो काफी उस तरह का सक्रिय है। और आई मेरी myself.com भी है, जो आपको ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, जैसे इंडिया में शादी.com वगैरह है, तो इस तरह से imarriedme.com करके है। तो उन लोग इस तरह की सब सिस्टम्स करते हैं। और क्योटो करके जापान के अंदर ग्रुप है, वो तो आपकी आपकी एक हनीमून पैकेज के जैसा एक ट्रिप बना देती है आपके लिए कि भाई एक काम करो, आप शादी कर लो खुद के साथ और खुद ही अकेले अकेले घूमो, और इस तरह का आपको डिस्काउंट ले लो, वर्ल्ड में इस तरह से घूमो और इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से करो। तो ये ऐसा जो कल्चर विदेशों में जो पल रहा है या पनप रहा है, वो मेरे ख्याल से अभी आपको एक नया ट्रेंड इंडिया में भी अभी ये देखने स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं आपको वापस रिपीट कर दूं कि अभी भी कानूनन मान्यता नहीं है। मैंने हिंदू लोगों का आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। जी सही जी, ये देश में ये पहला केस माना जाएगा, ये पहला केस है। ये यस ट्रेंड जो है ये दूसरी जगह चल रहा है, इस देश के बाहर जैसे आपने उदाहरण दिया ब्राजील है, यूरोप है, कनाडा है, तो ये जो आया है ट्रेंड ये पहला केस है होगा भारत का जो खुद से ही विवाह यस किया जा रहा डेफिनेटली, है। मतलब यस एक्चुअली में क्या, पहले विदेशों में भी उनको कानून मान्यता नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी मैरिजेस होती है पर वो कोई डिक्लेयर करता नहीं है। तो इसके जरिए इन लोग ये सब जो नया जो गांधी का गुजरात जो भी बोलते हैं अब, तो वहां से ये ट्रेंड और नया कल्चर इन लोग अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। और मतलब जो जिसके ऊपर प्रताड़ना की जा रही है या जिसके ऊपर अपन बोल सकते हैं कि एक फेल्ड मैरिज का एक धक्का भी लग जाता है कभी कभी, तो ऐसे लोगों के लिए उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाबा हमारे पर बहुत सारे जुल्म वगैरह हो रहे हैं ताकि हम अकेले रहे, और ऑफिशियल कानूनन मान्यता करके
लोगों के साथ एक आप क्या बोलते हैं उसको समन्वय दिखा के और मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज का और कल्याण होगा और लोगों को कोई नई दिशा मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सही जी, आपने जैसे बताया कि कनाडा में ऐसा बाकायदा एक ग्रुप है सेल्फ मैरिज करने का और लोगों को भी वो एडवाइस देते हैं, तो क्या उसमें क्या लाभ है समझ में नहीं आता। जो सेक्सुअल डिज़ायर है महिला की या पुरुष की, मेल फीमेल की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, तो वो किस तरह से पूरी होगी उससे? अभी देखो एक टेलीविजन सीरियल आई थी विदेश में जिसको सेक्स एंड द सिटी बोलते हैं, और एक ग्ली करके एक आई थी GLEE, और दूसरी थी डॉक्टर हु। तो ये तीन चार जो वेब सीरीज वगैरह आई है उसके अंदर भी एक सोलोगामी मदर करके कैरेक्टर है, तो उनके जरिए उन्होंने खुद ही अपने आप में खुश रखने की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो उसके अंदर उन लोगों को ऐसा दिखाया गया कि आपको प्लेजर भी हासिल करना है तो आपको दूसरे किसी साथी की जरूरत नहीं। तो इस तरह का जो ट्रेंड है वो काफी गलत है और लोगों में एक भ्रमणा पैदा कर सकता है। और दूसरा ये जो लेडी है जो क्षमा बिंदु करके, तो क्षमा बिंदु ने तो बाकायदा ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि मैं 7 फेरे भी लूंगी, सिंदूर भी लगाऊंगी और कुछ 300-350 के आजू बाजू उन लोग ने लोगों को इनवाइट किया हुआ है उधर, और एक जाहिर पत्रिका छापी है कि जिसको आना है, जिसको मतलब वो स्टोरी को कवर करनी है, प्रेस वाले को भी बुलाया हुआ है। वडोदरा मतलब यहाँ से समझो 8-10 घंटे का रास्ता है, तो वहां पे एक बड़ा सामियाना एक होल टाइप लेके वो अपने हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है। तो ये जो ट्रेंड हो रहा है मेरे ख्याल से हिंदू विवाह के लिए भी उचित नहीं है और अपने समाज के लिए भी एक घातक है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सही जी, जो ये विवाह करना चाहती है इसको लेकर उनके माँ बाप क्या उनकी सहमति है, और जो ये विवाह करना चाहती है इस पर सरकार और प्रशासन कानून की तरफ से कोई रोक है क्या? नहीं, मैं देखो प्रशासन और कानून कानून को तो इससे लेना देना इसके लिए नहीं, क्योंकि कानून में कोई एक ऐसा बना ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हिंदू लॉ में भी आइदर स्पाउस करके एक टर्मिनोलॉजी है, उसका यूज किया गया है, और प्रशासन को इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि क्योंकि खुद ही शादी कर रही है, खुद ही खर्चा कर रही है, खुद ही लोगों को खाना खिला रही है, खुद ही सोशल वर्क कर रही है, तो प्रशासन तब तक वो कोई उसका कोई ऐसा उसके पर एक्ट वगैरह लाद नहीं सकती है, क्योंकि कैसा है इससे किसका नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान समाज का कभी होगा कि जब ऐसा ट्रेंड चल जाएगा कि लोग जानबूझ करके शादियां नहीं करेंगे या किसको फैमिली वाले को भी अवॉइड करेंगे, या ये पूरा जो शादी का पूरा ढांचा है या जो पूरा जो अपन स्ट्रक्चर बना रहे उसको ही जब तोड़ने की कोशिश की जाएगी तब जाके ऐसा होगा, पर आने वाले दिनों में ये इतना भी कुछ इतना इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, 50-100 साल के बाद अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अलग चीज है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 93 में पहला किस्सा बना था, 1993, तो उसके बाद अभी तक लगभग 500 वर्ल्ड में ना 500-550 के आजू बाजू लोगों ने इस तरह से सेल्फ मैरिज की हुई है जिसका कुछ नामो निशान नहीं है। आधे लोग तो सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी के हिसाब से करते हैं और थोड़े दिनों में वो भूल जाते हैं, और पब्लिसिटी के लिए उन लोग सेल्फ डाइवोर्स भी देते थे। जैसे मैंने वो एक लेडी का एक आपको एक जिक्र किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, और ये थोड़े दिनों में लोग भी भूल जाएंगे। सही जी, और जो कुछ भी है पब्लिसिटी के लिए है, किसी के चीज के लिए भी है, लेकिन ये एक आप देखेंगे आप ये एक आगे चल के एक ट्रेंड बन सकता है, समाज के लिए कहीं ना कहीं आगे चल के नुकसान भी हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या कानून बनने वाला है या इसी तरह से चलेगा? क्योंकि आगे चल के नुकसान हो सकता है, जब पहला कदम बढ़ा दिया गया है तो आगे चलकर इसको और भी लोग अपनाएंगे, तो ये एक समाज के लिए एक नुकसान ही है। नहीं, समाज के लिए अभी फिलहाल नुकसान इसके लिए नहीं है क्योंकि समाज को इससे फायदा ही हो रहा है। जैसे कि
बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना खाने मिल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे है नहीं, वो तो वक्त ही हो गया, टाइम भी हो गया फॉर द टाइम बिंग, मतलब एक टेम्पररीली हो गया, वो उसी दिन उनको खाने मिलेगा। लेकिन जो समाज पे तो एक ये पहला केस है, गहरा असर पड़ सकता है, ये पहला केस है, आगे चल के लोग इसके ऊपर अमल कर सकते हैं। हाँ तो फ्यूचर में भी जैसे आपको मैंने बोला था गे मैरिजेस वगैरह 377 का कानून निकाल दिए, वो दुनिया भर के आपको मालूम रहेगा बहुत सारे कानून अपने वहां से निकले हुए। तो ये जो ट्रेंड उन लोग का जो सेल्फ मैरिज वाला जो चक्कर है वो लोग खुद ही भूल जाएंगे, क्योंकि देखो खुद को ही प्यार करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज है आज की तारीख में देखे जाएंगे। सही जी है, महिला दुनिया भर की बातें करते थे और खुद को खोजते नहीं है, ये खुद को खोजना, खुद के लिए बात करना बहुत बड़ी बात हो जाए। ये महिला खुद से विवाह करना चाहती है क्या, ऐसा भी कोई उदाहरण है क्या, पुरुष खुद से मतलब शादी करना चाहता हो, कैसी कोई कंट्री? हाँ तो ये दोनों के लिए ना, आप बात नहीं समझ रहे। अच्छा। ये सेल्फ मैरिज दोनों के लिए, दोनों के लिए पुरुष नहीं, ऐसी कोई मिसाल अब तक की कोई मिसाल पुरुष भी सेल्फ मैरिज कर सकता है ना, अब तक ऐसी कोई मिसाल आई है वर्ल्ड में कि पुरुष ने खुद से शादी किया है? नहीं, बारगांव में भी पुरुष ने भी शादी की, ऐसे वो जेम्स करके है उनका उदाहरण है, बहुत सारे लोग ने बाहर भी पुरुष लोगों ने भी विवाह किया है, मगर पुरुष लोग का मैं जैसे बोला ना, समाज में अगर कोई अकेला पुरुष रहे ना तो समाज इतना उसके पर उंगली नहीं उठाता जितनी एक महिला अगर अकेली रहती है या शादी नहीं होती है या उसको शादी से चीड़ है तो लोगों को डाउट होने लगता है कि ये क्या चक्कर, महिलाओं का ऐसा कर रही है, मगर पुरुषों में ऐसा नहीं। अच्छा, आगे चल के महिला जो शादी करती है, इस तरह की हम लोग को ऑलरेडी आजादी मिल चुकी है, जो महिला शादी करती है आगे चल के मतलब उसको ना डाइवोर्स होगा ना मैरिज के टाइम पे उसको डाउरी देना पड़ेगा, बहुत सारी समस्या से मतलब वो बच सकती है। एडवोकेट शेख सैयद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया, सेल्फ मैरिज के ऊपर, खुद विवाह के ऊपर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दिया और अच्छा बाहर का भी उदाहरण दिया, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख सैयद जी। दर्शकों, ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा आपको सुनने मिला, आपने होमोसेक्स का सुना होगा, लिस्बियन सुना होगा, लेकिन ये एक नया ट्रेंड अब चलने लगा है और हमारे देश में भी आ रहा है, जो सेल्फ मैरिज, ये खुद से विवाह करने का, जिसको कहा जाता है सोलो गैमी, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है। अभी देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर ये कैसा फेल होता है या ट्रेंडिंग बनता है। और दर्शकों, हमारे ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली न्यूज़ जो भी अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शेख सैयद जी हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू।